हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2 मार्च के, तो मैं आपके सामने फिर से एक बार लेकर हाजिर हुआ हूं। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूं, किसी कारणवश आज आपको सुबह वीडियो नहीं दे पाया, तो अब वीडियो आपको मैं दे रहा हूं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो पहला प्रश्न है आज का, ओसामा बिन लादेन के बेटे के ऊपर अमेरिका ने कितना इनाम रखा है? तो रखा है $10 लाख, अर्थात 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ रुपए इस पे इनाम रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा, बॉक्सिंग के मकरान कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? दीपक सिंह ने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो कहीं लिख लें, बॉक्सिंग के मकरान कप में स्वर्ण पदक दीपक सिंह ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमारा, जीरो भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? जीरो भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखें। अगला चौथा प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने जल मृत योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने जल मृत योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने। किसने शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने वित्त आयोग की सदस्यता ग्रहण की है? हाल ही में किसने वित्त आयोग की सदस्यता ग्रहण की है? अजय नारायण झा ने। किसने की है? अजय नारायण झा ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अजय नारायण झा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक नए रेलवे जोन की घोषणा किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लें। ठीक है, अगला हमारा सातवां प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस गेल बने हैं। ये खेल से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लें। ठीक है, आठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बायो एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? G1 योजना। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कौन सी योजना है? G1 योजना। ठीक है, G1 योजना, याद रखिएगा, लिख लें कहीं पर। नवा प्रश्न है, हाल ही में iPay नामक डिजिटल पेमेंट गेटवे किसने लॉन्च किया है? iPay नामक डिजिटल पेमेंट गेटवे किसने? आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया है। यह भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दसवां प्रश्न है, हाल ही में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 किसे दिया गया? शिवराज सिंह चौहान को। किसे दिया गया? शिवराज सिंह चौहान को। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें इसका जो है, हाल ही में APJ अब्दुल कलाम 2019, ठीक है, इसका होगा शिवराज सिंह चौहान। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का। तो ये आज के थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स प्रतिदिन देखने को मिलते रहते हैं।